हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल्स की। हमने पिछले वीडियोस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है ना। मतलब कि कैसे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तथा उसके दो जो प्रमेय थे वो भी हमने पूरे कर लिए हैं, लंबवत अक्षों का प्रमेय और समानांतर अक्षों का प्रमेय, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल देखने से पहले वो वीडियो देख लें हमारे, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने इस वीडियो के अंदर, हम ये वाला एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो क्या है कि किसी खोखले गोले का उसके व्यास के परितः या सापेक्षी बोल सकते हैं हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें, जहां ए तथा बी उसकी बाह्य तथा अंतः त्रिज्याएं हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फेयर अबाउट ए डायमीटर इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई बीइंग ए एंड बी, ठीक है। हमें बोला गया है हमारे पास में एक खोखला गोला है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसकी आंतरिक त्रिज्या तो कितनी है, बी है, और बाह्य त्रिज्या कितनी है, ए है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा, यह तो हो गया आंतरिक त्रिज्या बी हो गई इसकी, और ये उसका जो बाहरी सर्कल है इसकी त्रिज्या हो गई ए, ठीक है, और ये अंदर से खोखला है, ठीक है ना। तो अब हमें इसका निकालना है इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो व्यास के परितः निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जब भी जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए एक अल्पांश, ठीक है ना, और उस अल्पांश का हमें निकालना होता है द्रव्यमान। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अल्पांश काट लिया, ठीक है, जो एक्स तो त्रिज्या का है, ठीक है, और डी एक्स मोटाई का है। अब ये एक्स त्रिज्या और डी एक्स मोटाई का है, तो हमें द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अल्पांश का। हम पहले क्या करेंगे, जो हमें खोखला गोला दिया गया था उसका हम निकालेंगे एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब आयतन का क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसका जो द्रव्यमान है इसके आयतन में वितरित होगा। ये अंदर से खोखला तो है पर इसकी एक मोटाई है, ठीक है ना, इसकी मोटाई होने के कारण इसके अंदर आयतन होगा। तो हम क्या बोलेंगे, खोखले गोले का एकांक आयतन में द्रव्यमान, ठीक है। तो एकांक आयतन द्रव्यमान क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने माना कि इसका टोटल द्रव्यमान कितना था, कैपिटल एम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके आयतन का भाग दे देंगे, ठीक है। तो आयतन कितना होगा, जो हमें खोखला गोला दिया गया था, बी तो जिसकी अंतः त्रिज्या है, ए उसकी बाह्य त्रिज्या है, तो उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा 4/3 पाई। हम जानते हैं गोले का कितना होता है, 4/3 पाई r³, ठीक है। तो हमें यह आर क्यूब की जगह क्या करेंगे हम, a³ - b³, ठीक है। मतलब कि बड़े वाले गोले के अंदर से ये जो छोटा गोला बन रहा है खोखला, इसका आयतन हम घटा दें तो हमारे पास में जो मोटाई आ रही है ना इसकी, इसका आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे सामने खोखले गोले का एकांक आयतन में द्रव्यमान। इसे हम लिख सकते हैं क्या, आप बोलो तो रो से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें हमारे पास में अल्पांश का द्रव्यमान तो आ गया, अब हमें चाहिए इसकी व्यास से दूरी, ठीक है। आप मान लो ये है इसका व्यास, ठीक है। अगर व्यास से दूरी कितनी होगी, व्यास से दूरी ये व्यास हो गया या ये भी व्यास होगा इसका, ठीक है ना, ठीक है, ये व्यास हो जाएगा, कैसे भी ले लो आप, ठीक है। तो इसकी व्यास से हमें चाहिए लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब लंबवत दूरी को हम लेंगे यहाँ पर कैसे, ये एक्स है, या आप इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अगर आप ऐसी रेखा लेंगे इसके लंबवत, तो ये भी एक्स ही होगी, क्योंकि ये भी इस जो अल्पांश लिया है इसकी त्रिज्या ही तो है। तो अगर ये लोगे तो ये भी एक्स आएगा, ये लोगे तो ये भी एक्स आएगा, बात तो एक ही है ना। हमने ये इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या होता है, लंबवत दूरी चाहिए होती है। ये थोड़ी हमने लाइन थोड़ी टेढ़ी ले ली, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस पर लंबवत दूरी ली, इस जो अल्पांश लिया है इसकी व्यास से लंबवत दूरी कितनी हो गई, एक्स, जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, अब ये अल्पांश जो है वो एक खोखला गोला है, ठीक है, और खोखले गोले का हम जानते क्या होता है, 2/3 ma² ये हमने ना पिछले वीडियो में निकाल रखा है, ठीक है ना। जब हमने निकाला था ना खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका फॉर्मूला ये निकल के आया था। तो कैपिटल एम तो क्या हो गया यहाँ पे, ये अल्पांश का द्रव्यमान हो गया, और ए हो गई उसकी लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे 2/3 अल्पांश का द्रव्यमान। अल्पांश का द्रव्यमान किस निकलेगा, हम एकांक जो आयतन का द्रव्यमान है 4/3 πa³ - b³, ठीक है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम गुणा करा देंगे काय से, इस अल्पांश के आयतन से, तो हमारे पास में इसका द्रव्यमान निकल लिया जाएगा। तो हम इस अल्पांश का आयतन कैसे निकालेंगे, इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये खोखला गोला बन रहा है, जो हमने अल्पांश लिया है ये भी एक खोखला गोला ही है, ठीक है ना।
तो खोखले गोले का जो मोटाई होती है उसके कारण उसका आयतन किसे निकालते हैं हम इसका निकालेंगे सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जो कितना होता है 4πr², ठीक है, तो 4πx² की त्रिज्या हो गई गुणा उसकी मोटाई से कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे सामने इस अल्पांश खोखले गोले का आयतन। जब हम अल्पांश खोखले गोले का आयतन को एकांक आयतन के द्रव्यमान से गुणा करा देते हैं तो हमारे पास में उस अल्पांश का द्रव्यमान निकल के आ गया। अब इसे गुणा कराएंगे हम a², मतलब ये क्या था यहाँ पे लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी क्या लिया हमने x, तो ये हो गया x² ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये कुछ इस प्रकार हो गया, ये 3 से 3 गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, तो ये कितना बचा 2 पाई से पाई बाद में काट देंगे x⁴ और dx बटा नीचे कितना बच गया पाई a³ - b³ पाई से पाई भी काट देते हैं तो कितना हो गया 2m⁴dx / a³ - b³ ठीक है। ये आ गया हमारे सामने अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण, हमें निकालना है टोटल जो एक खोखला गोला था जिसकी आंतरिक त्रिज्या a और बाह्य त्रिज्या b है उसका निकालना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे। तो खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हमें करना होगा इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अंदर वाली त्रिज्या b से लेकर बाहर वाली त्रिज्या a तक, ठीक है, स्मॉल b से a तक, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे अल्पांश हम जोड़े, मतलब कि यहाँ से एक अल्पांश यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा, ऐसे खूब सारे a से b तक ये अल्पांश जोड़ दे तो हमारे सामने एक पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है ना, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने क्या किया ऐसे ही इसका समाकलन कर दिया और अंदर आ जाएगा 2m⁴dx / a³ - b³ x का समाकलन हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे 2m⁴a³ - b³ ये हो गया x⁵/5, ठीक है, b से a हो गया बराबर, ये हो गया 2m⁴a³ - b³ इंटू में हो जाएगा, ये कितना हो गया a⁵/5 - b⁵/5, ठीक है, तो क्या निकल के आया 2/5m⁴/5 - b⁵/5 / a³ - b³ ये निकल के आ गया हमारे सामने का खोखले जो हमें खोखला गोला बोला गया था ना, b अंतर त्रिज्या और a बाह्य त्रिज्या वाला खोखला गोला, उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दो बातों बता दूँ मैं आपको, जो कैपिटल एम तो हमने माना है, ये और लिख लीजिए, माना कैपिटल एम खोखले गोले का द्रव्यमान है, खोखले गोले का द्रव्यमान है, ठीक है, और बाकी की थ्योरी आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, आप समझ तो गए ना कैसे निकालना है। और अगर नहीं समझ में आया, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है हमने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको ऊपर देखो नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ये आई बटन पे क्लिक करो और वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।